A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, let's continue our chapter number 16 and the name of our chapter number 16 is Let's Keep in Touch. In this chapter, we were studied about the personal communication. Okay, हम इस चैप्टर में पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे. What is personal communication? Students, ऐसी कम्युनिकेशन जो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से करते हैं, इसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. ओके और हमने इस चैप्टर में कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन के मींस के बारे में भी जान लिया था. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द पोस्टल सर्विस एंड टेलीग्राफ. हमने ऑलरेडी पोस्टल सर्विस और टेलीग्राफ के बारे में पढ़ लिया था. ओके टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टेलीफोन, फैक्स मशीन एंड ईमेल. सो ओपन योर बुक चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 99. टेलीफोन. द टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स, टेलीफोन आजकल का सबसे कॉमन और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में से जाना जाता है. द फोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876. ये जो हमारा फोन है, इसका इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में किया था. द टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. द टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, टेलीफोन की हेल्प से जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवाज दूर या दूर डिस्टेंस तक पहुंच जाती थी. टू पीपल कैन इजिली कम्युनिकेट रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस. दो लोग आसानी से दूर बैठे हुए भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं टेलीफोन का यूज करके. नाउ कॉन्फ्रेंसिंग ओवर फोन अलाउज मोर देन टू पीपल टू टॉक एट द सेम टाइम. आज के समय में कॉन्फ्रेंसिंग ये एक ऐसा फीचर है जो कि अब हमें फोन ने प्रोवाइड किया है. सो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक से ज्यादा लोग भी जुड़ सकते हैं आज कॉल्स पर और बात कर सकते हैं. टुडे मोबाइल फोन्स आल्सो नोन एज सेलुलर फोन आर वाइडली यूज्ड. आज के समय में मोबाइल फोन को सेलुलर फोन के नाम से भी जाना जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है. दीज फोन्स यूज रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट मैसेजेस. ये जो सेलुलर फोन होते हैं ये रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों का यूज करते हैं मैसेजेस को पहुंचाने के लिए. ओके नेक्स्ट इज फैक्स मशीन. रिटन और प्रिंटेड मैटर इज सेंट थ्रू अ टेलीफैक्स मशीन विच इज कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन. स्टूडेंट्स, कागज पर लिखे हुए या प्रिंट किए हुए जो मैटर्स होते हैं उन्हें हम टेलीफैक्स मशीन की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं. ये जो टेलीफैक्स मशीन होती है ये फोन तार की लाइन से जुड़ी होती है. द कॉपी ऑफ अ रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट रीचेज द रिसीवर एट वंस. और उसी सेम मैटर की कॉपी या उसे हम कह सकते हैं उसकी जीरोक्स कॉपी आप कह सकते हैं, ऐसा ही वहां जो रिसीव कर रहा है या जिसके पास हमने सेंड की है वहां पर उसके द्वारा वो रिसीव हो जाती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फैक्स मशीन. इसे हम फैक्स मशीन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज ईमेल. स्टूडेंट्स, आजकल के समय में कंप्यूटर बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है तो आप सभी ने ईमेल के बारे में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा. ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं. द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड अ मैसेज इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल. आज के समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मैसेज भेजने का तरीका है दैट इज ईमेल. इट इज अ रिलेटिवली न्यू सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन. ये आज के समय का सबसे नया सिस्टम है मैसेज को भेजने और मैसेज को रिसीव करने का. इसके लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है और इंटरनेट कनेक्शन की. द मैसेज रीचेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और इसकी हेल्प से हम पूरी दुनिया में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं. दिस मेथड इज चीपर एंड कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पसेज ऑफिशियल एंड पर्सनल. ये तरीका सबसे चीपर या सस्ता होता है और इसको हम पर्सनल कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं और ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द वेज फॉर द पर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ लेट्स नो व्हाट इज मास कम्युनिकेशन. मास मीन्स अ क्राउड और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. मास का मतलब होता है कोई भीड़ या बहुत सारे लोगों का समूह. देयरफोर मास कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद द मासेस और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु लिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ही समय में पूरी दुनिया में रह रहे कई सारे लोगों से बातचीत करना या उन तक अपना संदेश पहुंचाना.
बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, एडवर्टीजमेंट, इंटरनेट एंड सैटेलाइट आर अदर फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट आर वाइडली यूज। सो स्टूडेंट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इन सारी चीजों का यूज करके हम एक ही बार में अपने मैसेज या संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नाउ अवर फर्स्ट मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, प्रिंट मीडिया, इसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स आर पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर और मीडिया आज मास कम्युनिकेशन का एक सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। दे आर अवेलेबल एट अवर डोरस्टेप, इन द मार्केट, जस्ट एवरीवेयर। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ, मार्केट में हर जगह हमको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स देखने को मिल जाते हैं। दे गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड ऑफ द डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। इसकी हेल्प से हमें नेशनल और इंटरनेशनल हर तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इवन बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड करके हमें ये भी पता चल जाता है कि पूरी दुनिया में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, दे ऑल्सो कैरी वेदर रिपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, पजल्स, आर्टिकल एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लोकल इवेंट्स। स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में हमें वेदर रिपोर्ट मिल जाती है, एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं, पजल्स, आर्टिकल्स और हमारे जो लोकल एरियाज है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें और न्यूज और उससे रिलेटेड फैक्ट्स हमें इन न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में मिल जाते हैं। अर्लियर न्यूज़पेपर वर द ओनली मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड पीपल रिलाइड ऑन देम फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। पहले के समय में न्यूज़पेपर एकलौता मास कम्युनिकेशन का साधन होता था और सभी लोग केवल न्यूज़पेपर पर ही निर्भर होते थे सारी जानकारी को पाने के लिए। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर दिस चैप्टर। ओके।